माई सेल्फ कृष्णा कुमार, सबसे पहले तो सभी लोगों को प्रणाम करता हूँ। आज गांव की ओर की मुहूर्त हुई है फिल्म का। ये फिल्म आज से 5 दिन पहले विनोद जी मुझे इसकी स्क्रिप्ट सुनाई ऑनलाइन। सुनने के बाद लगा कि मैं लगभग 60 फिल्में किया हूँ, इस तरह की स्टोरी पे मैं पहली बार वर्कआउट देखा विनोद जी का, कि आपके मन में ख्याल कैसे आया कि लोग शहर में भाग रहे हैं आजकल, गांव के जितना भी युवा पीढ़ी है, कि शहर में जाकर के कमाएंगे, रोजगार करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन जो कंसेप्ट इन्होंने बताया, इस कंसेप्ट में ये प्रमाण करता है कि मुझे शहर में रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं गांव में सोना उगा सकता हूँ। और इसी कंसेप्ट को देख करके मैंने तुरंत कहा कि नहीं, इस पर फिल्म बनाइए, और मैंने हाँ कर दिया। और ये फिल्म अगले महीने 20 तारीख को फ्लोर पर जा रही है, देवरिया, कुशीनगर, यूपी के भूमि पर। मैं हूं आनंद देव मिश्रा जी हैं, समर्थ चतुर्वेदी जी हैं, बालेश्वर जी हैं, हिंदी के कुछ कलाकार लोग हैं, तमाम अच्छे कलाकारों का चयन उन्होंने किया है और अभी वर्किंग चल रही है। फिल्म में क्या नया एक्सपेरिमेंट किया है इसमें? बिल्कुल लीक से हटके फिल्में हैं, नाम तो गांव की ओर लोग बोलते हैं और गाँव की स्टोरी होती है इसमें। ये लव प्रधान फिल्में नहीं हैं, ये फिल्में पूरी कि गाँव से हम क्या कर सकते हैं। आज का युवा पीढ़ी जो शहर की तरफ भाग रहा है या लगता है कि शहर में ही सब कुछ है, तो इसमें ये दिखाया गया कि शहर में कुछ नहीं है, जो भी चीज़ें हैं गांव में ही है, और गांव में हम क्या कर सकते हैं, और वो लड़का क्या क्या करके कहां तक पहुंचता है कि वहां पे सीएम पीएम सब कोई उसको सम्मानित देते हैं और कहते हैं कि हाँ, गांव में वाकई बहुत कुछ है जो हम कर सकते हैं। आपके कैरियर की शुरुआत अगर बात करें, पहली फिल्म कौन सी रही है? देखिए, कैरियर तो मेरी शुरुआत तो पढ़ाई लिखाई कलकत्ता से हुआ, और मैं मारुति में जनरल मैनेजर 2003 में गोरखपुर में ज्वाइन किया। 2013 तक मेरी नौकरी की जर्नी रही, लेकिन भोजपुरी फिल्में यूपी बिहार में इतना ज़्यादा बनता था और मैं एक बिहार का वासी होने के वजह से मुझे लगा कि मुझे भी ट्राई करना चाहिए। तो 2013 में मैंने एज ए बेताब फिल्म खेसारी जी को लेकर के एज ए हीरो एंड एज ए प्रोड्यूसर मिल करके ये फिल्में मैंने बनाई थी। मेरी पहली फिल्म बेताब थी। सर, खेसारी लाल की मार्केट स्टार्ट हो चुकी थी सर, मुझे याद है कि 30-35 लाख के आसपास उसमें उनकी फीस थी। तो खेसारी लाल की मार्केट 2010 में उतनी नहीं थी, लेकिन 11-12 में उनकी मार्केट धीरे धीरे पिकअप कर रहा था। जब 2013 में बात फिल्में करने की बात आई, तो मैं सिंगल फिल्में करने आया था, बट लोगों ने कहा कि सिंगल फिल्में मत करिए, यहाँ स्टार जो जिसको लोग जानते हैं या जो सिंगर है वही हीरो है। तो फिर मेरे मन में बात आया कि एक काम करते हैं, उस समय पवन जी, दिनेश लाल जी, मनोज जी का दौर थोड़ा सा कम हो गया था, रवि किशन जी, तो मेरे मन में आया कि खेसारी लाल को लेकर फिल्में बनाते हैं, क्योंकि मेरे पड़ोस के रहने वाले हैं। मैं बिहार सिवान जिले का रहने वाला हूं, और वो भी छपरा के एकदम करीब एकमा चंचौरा के पास चैनवा के पास रहने वाले हैं। तो मैंने ये सोचा और उनसे मीटिंग की। मीटिंग करने के बाद उन्होंने हामी भरी और हम लोगों ने मिलकर बेताब फिल्म का निर्माण किया, और फिल्में बहुत सुपर डुपर हिट रही। उसके बाद मैं 2014 में सर जो खेसारी जी के साथ ही फिल्म बनाया, दूसरी फिल्म है जो जीता वही सिकंदर, फिर तीसरी फिल्म हीरो नंबर वन 2015 में, लगातार हर साल एक फिल्में बनाया और रिलीज़ किया। 2015 में जो फिल्में मैंने हीरो नंबर वन बनाई, ये फिल्म मील का पत्थर साबित हुआ और मुझे पीछे मुड़ के देखने का मौका नहीं मिला। 2015 तक 3 फिल्में किया, लेकिन 2015 से लेकर 16, 17, 18, 19 बिफोर कोरोना 20 तक लगभग 500 फिल्में मैंने कर ली, दर्शक ने मुझे स्वीकार कर लिया। जी, तो क्या उम्मीद है आपको यहाँ से, मतलब क्या बनना चाहते हैं? देखिए, बनना तो मुझे एक्टर था, पापा का सपना था इंजीनियर बनना, तो उनको भी 15 साल की नौकरी है जो जनरल मैनेजर मारुति में बन के दिखाया, और मेरा सपना था एक्टर बनना, जो पापा को भी दिखाया। पापा का काफ़ी गौरवान्वित महसूस करते हैं कि आज मेरे नाम से पापा का नाम लोग पुकारते हैं, तो उनको बड़ा अच्छा सा लगता है। और मुंबई हो या कलकत्ता हो या यूपी बिहार हो, आदमी का एक कर्म करने का अपना एक स्टाइल होता है, तो मैं तो पढ़ाई लिखाई वहाँ से किया, बट कर्म हमें नौकरी मिली गोरखपुर में, यूपी में, तो मैं यूपी में अपने आप को अच्छा साबित किया और जीएम बन के रिजिग्नेशन देकर के वहाँ से निकला। और जब फिल्म इंडस्ट्री में आया तो मुझे माया नगरी का भी बहुत सपोर्ट मिला, लेकिन भोजपुरी फिल्में हैं तो भोजपुरी फिल्में मुंबई में बहुत कम बनती है, इसकी असली मिठास के लिए लोग लखनऊ, बनारस, आजमगढ़, बिहार, सिवान, छपरा, ऐसे एरिए में जाते हैं, तो मेरा तो अपना गढ़ ही है उधर। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि माया नगरी ख़राब है, माया नगरी भी अच्छी है। मेरी हीरो नंबर वन पूरी फिल्म में मुंबई में शूट किया हूँ। अभी पिछले
जा रहे हैं, अच्छी सब्सिडी मिलती है, फ्री में काम हो जाता है और यहाँ पे पैसे लगते हैं, क्या कहना चाहोगे? जी हाँ, बिल्कुल सही बात है कि सब्सिडी के लेकर के विदेशों में मैं भी गया था लंदन पिछले साल, 5 फिल्में करके आया और अभी तमाम फिल्में अपने यूपी उत्तर प्रदेश सरकार सब्सिडी दे रही है। हो क्या रहा है कि फिल्में जब ज़्यादा कोई चीज़ें मात्रा में पाई जाती है ना तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। भोजपुरी फिल्में इतना ज़्यादा मात्रा में बन रही है कि उसकी रिकवरी थोड़ी कम हो गई। जब रिकवरी हाँ, कारण उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि देखिए 20 से भी कम आती है। मुझे जहाँ तक याद है कि 2017-18 की अगर गणना करें तो उस समय तक 60-65 फिल्में ही सेंसर हो पाती थी पूरे साल में। मैं एज ए डिस्ट्रीब्यूटर 2015 से डिस्ट्रीब्यूशन का भी मेरा काम है, लगभग यूपी दिल्ली में 100 फिल्मों से ज़्यादा मैंने 5 साल में रिलीज़ किया है, तो एक आंकड़ा मेरे पास हुआ करता था कि लगभग साल में 60-65 फिल्में ही वहाँ तक पहुँचती, बनती थी और कई हज़ारों आधे में दम तोड़ देती है, कुछ बन के दम तोड़ देती है, कुछ सेंसर होकर दम तोड़ देती है। जी किस फिल्म को? ये फिल्म बहुत ही अच्छी होगी, कारण कि जैसा कहानी अगर फिल्म पे हमारे निर्देशक संजय जी इसको उतार देते हैं, अब मुझे पूरा भरोसा है क्योंकि उन्होंने इसके पहले 6 ला संधु फिल्में बनाई थी जो थिएटर में आई भी है और हम लोग यूट्यूब पे सिनेमा में देखे हैं, तो क्रमात कुछ करेंगे और ये फिल्म भी मुझे लग रहा है कि बहुत अच्छा बनाएंगे संजय जी। थैंक यू।